आठ पॉइंट तीन। देखो ध्यान दो, हमेशा साइन और कोस, साइन थीटा और क्या होता है कोस थीटा। दूसरा है आपने टेन थीटा और कोट थीटा, और जुड़ो है जुड़ो आपका नाम है सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपस में सभी क्या होते हैं आपके पूरक कोण होते हैं। कैसे होते हैं? पूरक कोण, इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो आपके 90 डिग्री उसे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों अंग का है आपने, ये दोनों पूरक कोण है, ये दोनों का ये आपने पूरक कोण, और ये दोनों का ये आपने पूरक कोण। जैसे देखो ध्यान दो, जैसे मान लो साइन यहाँ अगर आपके 30 लिखा हुआ है तो इधर क्या होगा आपके कोस 60 डिग्री होगा, और 30 और 60 दोनों जोड़ के तो रहे आपने 90 रहेगा फिक्स है हर बार। जैसे मान लो साइन 30 का मान कितना है 1/2 सारणी के अंदर, तो कोस 60 का मान भी क्या होगा आपके 1/2 ही है सारणी के अंदर, कोई चेंज नहीं। या अगर मान लो आपने दिया हुआ है कि टेन थीटा जो भी मान है, देखो यहाँ हो जाएगा जैसे मान लो टेन जोड़ है आपने वो 60 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके कोट 30 डिग्री, मतलब दोनों जोड़ के चला आपने 90 रहेगा। या ऐसा दिया हुआ है मान लो सेक 17 डिग्री, तो उसका मान क्या होगा आपके कोसेक 73 डिग्री, दोनों की जोड़ कितनी होगी आपके 90 डिग्री रहेगा ये, और ये हमें कितना होगा आपके 90 डिग्री होगा। अब मान लो दोनों की जगह एक ही नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, सेक ये जो मान है इसको किस में से घटाना पड़ेगा आपको 90 में से घटाना पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा आपके कोसेक 73 डिग्री। कोई एक घटाओ दोनों में घटाना, कोई एक घटाओ आप। अब देखो सेक का सेक 90 माइनस, यानी मतलब ये तो आप क्यों तो बन गया, ये 90 है ये कितना है 17 है, 90 में से कितना घटाए कि ये 17 आ जाए 73। अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो मतलब जो थीटा यहाँ पर आया हुआ है वही थीटा आपके यहाँ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपके कोसेक थीटा। इसी बात इसमें भी आप कर सकते हो, देखो ध्यान दो टेन का टेन, अब ये 60 है, 60 कैसे आएंगे 90 में से क्या घटा है 60 है 30 घटाने पर आता है, बराबर होगा आपके कोट 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ 10 का 10 90 माइनस जितना यहाँ पर थीटा है उतना ही यह होना चाहिए, तो यह करेंगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा। और अगर आपको कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 10 थीटा। और अगर वही इसमें देखो अगर आप साइन का साइन यहाँ कर देंगे 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे 30 आ जाए 60, यह आ जाएगा आपके कोस 60 डिग्री, मतलब जो कोण यहाँ पर है वही कोण, जो कोण 90 में पीछे माइनस में दिया है वही कोण आपके यहाँ होना चाहिए, लेकिन साइन से कोस ही बनेगा और कोस से केवल क्या बनेगा साइन ही बनेगा, कोस से कोट या टेन नहीं बनने वाला है माइनस करने पर। यह आ जाएगा आपके साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा, और इसका उल्टा क्या हो सकता है कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा आपके साइन थीटा। इसमें यही है अगर आपको कोसेक में से 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके सेक थीटा, कोसेक से सेक, सेक से ये दोनों हमेशा क्या होते हैं पूरक होते हैं, मतलब कि जितना यहाँ लिखा हुआ है उसका 90 में से माइनस आएगा, अगर ये 43 है तो ये हो जाएगा 47, ये 40 है तो ये कितना आएगा 50, फिक्स 30 और 60 अगर दिया हुआ है तब भी हमारे पास सारणी है उसे कर लो फिर फटाफट उत्तर आ जाएगा। और हमारे पास अगर मान लो फिक्स 60 30 45 90 अगर ये मान नहीं दिए हुए हैं तो फिर आपके 8.3 काम आती है, तो फिक्स वो मान दे रखे सारणी में 0 45 60 90 वही मान लेंगे तो उसके लिए सारणी के वो मान लगा सकते हो,
और वो मान नहीं है 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसी संख्या है जिसका मान सारणी में नहीं है उनके लिए प्रश्नांक कौन सी है 8.3 जिसमें 0 है 30 है 45 है 60 है और 90 है। ऐसा मान अगर केवल यही मान हो उसमें दूसरा मान नहीं हो तो आप सारणी से भी कर सकते हो उत्तर वही आएगी। सारणी से करो तो वही उत्तर आएंगे चाहे आप भले 8.1 से करो चाहे 8.4 से करो किससे भी करो उत्तर वही आते हैं सेम आते हैं। बस यही है कि सबको अलग अलग बांट रखा है। इसको देखो सूत्र क्या हो जाएगा साइन का मान हो जाएगा। देखो साइन ज्ञात करना हो तो कॉस में से घटाए दशमलव थीटा और अगर कॉस ज्ञात करना हो तो साइन दशमलव माइनस थीटा। टेन ज्ञात करना हो तो हो जाएगा आपके तो टेन ज्ञात करना है तो कोट दशमलव माइनस थीटा और कोट ज्ञात करना है तो टेन दशमलव माइनस थीटा। सेक ज्ञात करना है तो हो जाएगा कोसेक दशमलव थीटा और कोसेक ज्ञात करना है तो कोसेक के लिए क्या जाएगा आपके सेक दशमलव माइनस थीटा। बस यही ध्यान रखना है जो यहाँ थीटा दे रखा है वही आपको यहाँ लगाना है। यहाँ 73 है तो यहाँ भी क्या लगाना है 73 लगाना। फिर घटाने के बाद अगला पड़ाव ऐसा आएगा कि इन दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी आपके 90 डिग्री। यहाँ भी ऐसे ही है जो यहाँ 60 लिखा और यहाँ भी क्या लिखना है आपको 60 लिखना है। कौन चीज़ ध्यान आ रहा है।